चुनाव हम लोग 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और संस्था में 20 साल से इस बार भी आपको समर्थन करेगी जनता, एकदम भरपूर समर्थन करेगी। सामने आप जो है बने क्या करेगी, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि एक बार हमको फिर मौका दीजिए और जो काम बाकी है हम और हमारी टीम जो उपाध्यक्ष के पद पर सुशीला देवी पति पद्मी प्रसाद लड़ रहे हैं जी, दोनों लोग का सामंजस्यता बना हुआ है, एक विचार से महरवा का समग्र रूप से विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। सबसे पहला मुद्दा आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे बड़ा प्राथमिकता है महरवा का मुख्य बड़ा नाला और सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये सब 4-5 मुद्दा है जो पहली प्राथमिकता होगी। मुख्य नाला के बिना कई गांव डूब जाते हैं, पोखरी का समीकरण है, महरवा प्रांगण ब्लॉक प्रांगण में जमीन अलाट हो चुका है सामुदायिक भवन बनाने के लिए, सम्राट भवन पैसा भी उसका अलॉटमेंट आ चुका है, बहुत दिनों से आया हुआ है लेकिन पता नहीं किस कारण से मेरे पूरी चीज में काम नहीं करा पाए। और लोग कहते हैं बैसाखी, अगर बैसाखी ये संस्था है अगर टीम बनाकर काम नहीं किया जाएगा तो कोई काम नहीं होगा, लड़ने में भिड़ने में सारा समय कट जाएगा, इसलिए हम लोग टीम बना के लड़ रहे हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के दोनों दावेदार हम लोग एक साथ घूम रहे हैं और एक साथ उन लोगों से वोट मांग रहे हैं, जब तक टीम नहीं रहेगा तब तक खींचाता नहीं चलते रहेगा, इसलिए मैं जनता से यही अपील पूरा करके और आगे की कार्रवाई कर रहा हूं। क्या नाम हुआ? आज आप नामांकन करने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो आपके पीछे हजारों की संख्या है, जो तादाद है, दर्शन है, दर्शक है कि समर्थन है? समर्थन है, आपका सहयोग कर रहे हैं। महिला एक सशक्तिकरण है, महिला को बढ़ावा कितना दीजिएगा? महिला के साथ में है, महिला के साथ आए दिन जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके साथ दुरुपयोग किया जाता है, उनको कंधे से कंधा मिला के चलिएगा। सर आप बताइए, जो महरवा में देखा जाता है, क्योंकि अभी महरवा नगर पंचायत की जो जनता है बदलाव चाहती है, बदलाव देखिए 20 साल से यहाँ नगर पंचायत से जुड़े हुए हैं, घोटाला चाहे भ्रष्टाचार, हमारी पत्नी 5 साल मुख्य पार्षद रह चुकी है लेकिन हम लोग के रीजन में कोई इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन इस बार जो हुआ है जी बताइए, आज आप उपाध्यक्ष के लिए नामांकन कराने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? गड़बड़िया हुई है तो यही कहेंगे, सबसे पहले तो आपका चरण का धन्यवाद देंगे, इस समय पर आप उपस्थित हैं और जनता के बीच ध्यान रखा जाएगा, हम लोग जो वादा कर रहे हैं अभी हम लोग अपने टीम के साथ हम लोग सुमावती देवी के नेतृत्व में योगदान और मिलजुल कर जनता जनता के पास आ गया, महरवा का विकास करेंगे। चेयरमैन नीति एक है, काम एक है, सबसे पहले सफाई पर ध्यान देंगे हम लोग, उसके बाद से विकास है, रोड है, गली है, नाली है, जो अधूरा काम है जो 5 साल से नहीं हुआ है पूरा करेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का हर दुख दबाव नहीं रहेगा, साथ रहेंगे, हर दुख चाहेंगे तब मिलेंगे, जनता के हाथ पर जीत होगा, जिसको जिताएगी 5 साल बढ़िया से काम करेगा, मुट्ठी खुल गया है और खुल के काम कर, जनता के बीच से आ रहा है। अब तिरो वार्ड में हम लोग वोट मांग के तिरो वार्ड के वोटर से चुनाव जीतेंगे, तेरहों जनता वार्ड की जनता के प्रति जवाबदेह चेयरमैन होगा। समस्या क्या है? समस्या महरवा में मुख्य नाला सबसे बड़ा समस्या है, सफाई बहुत बड़ा समस्या है, जल जमाव से जनता जो परेशान है। नहीं सफाई जब नहीं होगा तो जल जमाव तो होगा ही, इसलिए जल जमाव सफाई होगा तो जल जमाव नहीं होगा। नामांकन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास अपार जन समर्थन है और हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत जन सैलाब देखा जा रहा है आपके पीछे, जो जन सैलाब देखा जा रहा है जनता क्या है, जो काफी भीड़ के साथ में आप नामांकन करने आए हैं, जनता का मेरे प्रति समर्थन है, मैं तो सब लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है कि इतना अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। बिहारी लाल, मैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हूँ और मेरी पत्नी सुभावती देवी मुख्य पार्षद की प्रत्याशी है। चलिए उप चेयरमैन के लिए ये नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, हालांकि बता दें कि वार्ड पार्षद रह चुके हैं महरवा के वार्ड नंबर 4 से प्रभु जी, अब इनसे हम जानते हैं कि नामांकन करने के लिए जब जा रहे हैं तो गले में गर्दन में माला पहन करके पहले कैसा लग रहा है? देखिए ये माला तो 2002 से हम लोग पहन रहे हैं, जीत की माला है,
जनता का सहयोग है, जनता का पास समर्थन है, जनता का सिर आंखों पर है, जनता ने माला पहनाया, जनता ने माला मतलब जीत का माला आज ही पहना दिया है, नामांकन तो पहना दिया है, नामांकन तो करने जा रहे हैं, जनता का बहुमत है, जनता का समर्थन है, जनता साथ है। मैरवा की जो जनता है अभी बदलाव चाह रही है, क्योंकि एक एक वोट उसका बहुमूल्य है और मूड बना चुकी है। जनता का जो बात कर रही है बदलाव, जनता विकास चाह रही है। बदलाव तो लोग कर रहे हैं, तभी तो विकास होगा। विकास जिसको अनुभव रहेगा, जो काम किया है वो काम करेगा, तो विकास किए हैं हम लोग। अनुभवी लोग चाहिए जनता। जब 5 साल समय है, समय बीतने समय नहीं लगता है, तब 5 साल बीत जाएगा। इसी समय में जनता के सामने जनता का विकास, रोड का विकास, नगर पंचायत का विकास, हम लोग दोनों आदमी सुभावती देवी के नेतृत्व में काम करेंगे। दोनों आदमी का नीति एक है, एक साथ विकास करेंगे। अच्छा, इस समय पंचम लहराएंगे, मैरवा का जो जनता है इस बार पंचम लहराएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो जनता है, जो जन सैलाब है, चलते रहिए जन सैलाब है। आप जो देख रहे हैं कि नामांकन पर्चा दाखिल करने आए हुए हैं, बता दें उप चेयरमैन